जो सामने आप देख रहे हैं वो कांच मंदिर है और ये जो आप देख रहे हैं इंदौर का लाल बाग। तो दिन में कांच मंदिर और लाल बाग घूमने के बाद अब शाम को मैं निकल रहा हूँ अशोक जी के साथ घूमने के लिए इंदौर। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में और देखिए कि हम इंदौर में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी अशोक जी हमें लेके जा रहे हैं छप्पन दुकान लेके जा रहे हैं और ये इंदौर का काफी फेमस जगह है खाने के लिए चाट पकौड़ी के लिए। तो अभी चलते हैं छप्पन दुकान। तो ये अशोक जी मुझे इंदौर घुमाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये तय समय से एक घंटे पहले आ गए, यानी कि मिलना था मुझे 7:30 बजे और ये आ गए 6:30 बजे। तो अभी हम निकल रहे हैं छप्पन दुकान के लिए जो कि फेमस जगह है इंदौर में खाने के लिए। स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिलता है कह सकते हैं। इंदौर के लोग लगता है सुबह खाने के साथ शुरू करते हैं और रात खाने के साथ ही खत्म करते हैं। मतलब पूरे इंदौर में हर जगह या तो खाने की जगह दिख रही है, दुकानें दिख रही है, स्टॉल्स दिख रही है या लोग खाते हुए दिख रहे हैं। मतलब सुबह से जब मैं घूम रहा हूँ ना हर जगह मुझे खाने का दिख रहा है। अच्छा उसके बाद भी लोग मोटे नहीं है, फिट है। मतलब जैसे आप गुजरात जाओगे ना गुजरात के लोग आपको मोटे मोटे दिखेंगे, खाते वो भी बहुत है, खाने के शौकीन होते हैं, बट वहाँ पे आपको बड़े हेल्दी टाइप के लोग मिलेंगे। और यहाँ इंदौर में मुझे सब फिट मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं मतलब खा खा के। और जबकि खाना लगभग वैसा ही है जैसे गुजरात का है, ऑलमोस्ट गुजरात का ही समझ लो खाना है। तो ये हम पहुंच चुके हैं छप्पन दुकान। छप्पन दुकान इस जगह का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे 56 दुकानें हैं और ये सारी की सारी दुकान मोस्टली दुकानें खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ख़ास तौर पे जो इंदौर का फेमस फूड है वो यहाँ पे मिलता है। बाइक हमने अपनी पार्क कर दी है और अब वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये आप सामने देख रहे हैं पार्किंग है पूरा का पूरा और सामने की तरफ वो शॉप्स हैं और बड़ी रौनक है यहाँ पे। देख के लग रहा है कि कुछ खास जगह है, मुझे तो एक बार ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मतलब इतनी सी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हुई हैं, कितने तो पैदल आए होंगे, कुछ फोर व्हीलर में आए होंगे। अच्छी मतलब शौकीन है आगे लोग। ये देखिए ये पूरी की पूरी शॉप्स हैं जिसमें कि टोटल 56 यानी कि 56 शॉप है। तो हम भी यहाँ पे कुछ खाते हैं, मैं और अशोक जी देखते हैं क्या यहाँ पे मिल रहा है खाने के लिए अच्छा और कुछ अलग। तो यहाँ पे मैंने और अशोक जी ने बहुत सारे आइटम खाए, हल्के उनके वीडियो नहीं बन पाए क्योंकि खाते वक्त हम दोनों ही खाने में लगे हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं हमारी प्लेट में काफ़ी कुछ रखा हुआ है और ये नारियल का एक लड्डू है, ये चाट है, खीस यहाँ पे कुछ मुझे अलग लगी इंदौर की जो कि मक्के से बनती है, भुट्टे से बनती है, तो वो मैंने ट्राई करी। ये एक कटलेट टाइप का सा है जो कि नारियल का बना हुआ है। तो ये सब हम लोगों ने खाया, काफ़ी टेस्टी था और वही चीज़ खाई जो कि अलग थी, जो कि सिर्फ यही मिलती है दिल्ली या बाकी जगहों पे नहीं मिलती है, वो मैंने यहाँ पे ट्राई करी। सुबेरे और शाम सुबेरे 7 किलोमीटर, शाम को 3-4 किलोमीटर, शाम को इतना घूमता था। शुगर मेरे बिल्कुल नॉर्मल, कभी ऐसे नहीं लगता था कि शुगर मेरे को वो हो रही है। जो बाटी का वो जो स्टफिंग रहते हैं ना उसको पत्ते के अंदर स्टफ करके और उसके बाद में उसको सेकते हैं तो वो जल जाता है, पत्ता अच्छा। जल जाता है और वो सिक जाता है, दैट्स कॉल्ड दाल पानिया, और बहुत टेस्टी लगता है। ये आपको कभी इधर जाएं क्या बोलते हैं झाबुआ साइड में। अच्छा तो अशोक जी की सेहत का राज और दाल पनिया के बारे में जानने के साथ साथ अब हम निकल चुके हैं खजराना गणेश जी के लिए। ये इंदौर में एक बहुत पुराना गणेश जी का मंदिर है, 1858 या 59 के आसपास ये मंदिर बना था। तो चलिए चलते हैं खजराना गणेश जी। तो ये जो देख रहे हैं ये सामने मंदिर है। अशोक जी ने बताया शुक्र है कि आज बुधवार नहीं है इसलिए भीड़ कम है। और ये आप देख रहे हैं मेन मूर्ति जो रखी हुई है काफी बड़ी। तो ये बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति है और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बाकी मंदिर की तरह नहीं है यहाँ पे मना कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छा इन्होंने
मूर्ति को डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है। और ये मंदिर के बाहर एक मार्केट लगा हुआ है जहाँ से आप प्रसाद या मंदिर से रिलेटेड सामान ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरी जगह पे जो कि है सराफा बाजार। और सराफा बाजार आपको सुन के लगेगा कि शायद ऐसी जगह है जहाँ पे सोने का सामान मिलता है, सोने चांदी का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सराफा बाजार है। तो दिन में यहाँ पे सारे सुनारों की दुकान लगती है और रात में यानी कि लगभग 9 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट लगता है चाट पकौड़े का। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मोस्टली सामान वही मिल रहा था जो दिल्ली साइड में मिलता है, तो अलग से कुछ नहीं लगा। बस इस दुकान पे मैंने गराड़ू खाया क्योंकि गराड़ू मुझे कुछ अलग सा आइटम लगा। ये आप देख रहे हैं रजवाड़े। और अब पूरा दिन घूम लिए, सुबह कांच मंदिर, लालबाग और अशोक जी के साथ शाम को 56 दुकान, गणेश जी का मंदिर और फाइनली सराफा बाजार। लास्ट में हमने यहाँ पे क्लिक करी अपनी कुछ फोटोज यादगार के रूप में। और अशोक जी का बहुत धन्यवाद कि उनकी बदौलत में इंदौर बहुत अच्छी तरह से घूम सका। उम्मीद है दोबारा कभी हम इंदौर में मिलेंगे।